एन वी क्रिएटर। तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉपोलॉजी का, जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेस्ट ऑफ स्पेस का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में ये थ्योरम पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीडियो, ठीक है? तो सबसे पहले इसका हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है? थ्योरम को, क्योंकि जब भी हम थ्योरम को प्रूव करते हैं, हमने पहले भी कहा था, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप थ्योरम को प्रूव करते हो तो सबसे पहले थ्योरम को आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, चाहे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आए, चाहे आप लिखते समय हो या किसी भी याद करो या समझ रहे हो, तो सबसे पहले थ्योरम को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है इन ही हेस्ट ऑफ स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, ठीक है ना? जो हेस्ट ऑफ स्पेस की प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या रखता है, यूनिक लिमिट रखता है, ठीक है ना? तो इसका हमें प्रूव करना है। तो जब सबसे पहले हम प्रूव करते हैं और सब करते हैं, सपोज मानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट इन स्पेस एक्स। किस में रखता है, स्पेस एक्स में। तो देन तब एक्स इज हैज ऑफ स्पेस। तो हमारा जब वो एक्स में रखता है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, हैज ऑफ स्पेस, ठीक है, हैज ऑफ ओनली। तो अब हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट जो ए और क्या है बी लेते हैं, दो पॉइंट जो कि हमारे बिलोंग्स करते हैं किसमें, कैपिटल एक्स में, ठीक है? वो हमारे ए और बी क्या है, हमारे टू डिस्टेंस पॉइंट हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? जो हमने ए और बी दो पॉइंट माने हैं वो हमारे दो डिस्टेंस पॉइंट हैं, और जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं कैपिटल एक्स में, और कैपिटल एक्स क्या है, हमारा हैश ड्रॉप है। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हमें प्रूव करना है वी विल सो दैट देयर एडजस्ट टू ओपन सेट्स G1 एंड G2। दो हमारे ओपन सेट हैं G1 और G2, ठीक है? यहीं से आपको बारीकी समझना है, यहीं से पूरी थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो सच दैट कि जो E1 है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, G1 में, और जो दूसरा पॉइंट था डिस्टेंस पॉइंट A1 नहीं सॉरी A, दूसरा डिस्टेंस पॉइंट था हमारा B, वो कर रहा है बिलोंग्स G2 में, ठीक है? तो और जो हमारे G1 और G2 थे वो क्या थी, हमारे ओपन सेट। तो जो G1 इंटरसेशन G2 वो क्या करेगा, 5 में, और या देयर एडजस्ट स्मॉल एन बिलोंग्स कैपिटल एन। तो सच दैट हम लिख सकते हैं कि जो हमारा S1 ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेशन S1 ऑफ लाइक एन ऑफ बी, ये किस में करेगा, दोनों का इंटरसेशन क्या होगा, 5। यानी हमने जो सीक्वेंस निकाला है S1 सीक्वेंस ऑफ ए इंटरसेशन सीक्वेंस ऑफ बी, ये क्या है, 5 में, ठीक है? तो आगे देखते हैं, लेट इफ पॉसिबल फॉर ईच, जो स्मॉल एन है बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एन में, तो S1/n ऑफ ए इंटरसेशन S1/n ऑफ वी डज नॉट करेगा 5 में, ठीक है? क्यों, अगर हम मान के चल रहे हैं, यदि देखो पहले तो हमने दिखा दिया है कि जो S1/n ऑफ ए इंटरसेशन कर रहा है S1/n ऑफ वी इक्वल टू 5, ठीक है? अगर हम मान के चलते लेट इफ पॉसिबल फॉर ईच, प्रत्येक के लिए, किसके लिए, स्मॉल एन बिलोंग्स कैपिटल एन, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 5। तो देन दे आर एडजस्ट एक्स एन बिलोंग्स S1 ऑफ ए बिलोंग्स इंटरसेशन S1/1/n ऑफ वी फॉर ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो सीक्वेंस एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एस सच दैट द कन्वर्जेंट गोज टू टू डिस्टेंस पॉइंट ए और बी विच इज कंट्राडक्शन। अभी कंट्राडक्शन हो जाएगा तो हमारी पूरी थ्योरम उसी तरीके से होगी, हैंस हैज ऑफ स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। तो हमारा क्या रखता है, यूनिक लिमिट पॉइंट।
तो ये हमारी थ्योरम थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और इसका रिपीट कर लेते हैं और आपको हम अच्छे से दिखा देते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो एक हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है। तो हमारा हैश स्टॉप मिल गया है कि एक्स इज हैश स्टॉप है, तो हमने दो डिस्टेंस पॉइंट लिए ए और बी, ठीक है, और जिसमें हमें हमारा ओपन सेट G1 और G2 क्या है, ओपन सेट है। तो ए कर रहा है G1 में और बी कर रहा है G2 में, तो G1 बिलोंग्स टू G2, एक क्या है 5, ठीक है ना, इक्वल टू 5। देर एडजस्ट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, सच दैट इसी प्रकार की एस वन अपॉन एन ऑफ ए इंटरसेशन एस वन अपॉन एन ऑफ बी इक्वल टू क्या है 5। अगर हम पॉसिबल मान के चलते हैं कि सम फोर ईच प्रत्येक के लिए एन, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 5। फिर इस तरीके से देयर इज जस्ट एक्शन सिक्वेंस के लिए हो जाएगा, फिर सिक्वेंस एक्शन बिलोंग्स हैश टॉप के लिए कैपिटल एक्स के लिए। तो ये कंट्राडक्शन गोज टू टू पॉइंट जो हमारे डिस्टेंस पॉइंट होंगे, और डिस्टेंस पॉइंट होंगे ए भी मिल जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडक्शन। तो हमारी इस तरीके से थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिए या उस थ्योरम को लिख दीजिए, हम उसके पर वीडियो बनाएंगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।